हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज मैं आपको करवा रहा था काइनेमैटिक्स में वन डायमेंशनल मोशन के 31 ईयर प्रॉब्लम करवा रहा था। और इससे पहले वाला लेक्चर आप देखे होंगे, आई होप कि आप उसको देखे होंगे। तो ये भी आपको, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन पढ़ो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो। ये कहता है कि ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए प्लेटफॉर्म, ठीक है। एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, मतलब यच हाइट पे कुछ प्लेटफॉर्म है, वहाँ से एक बॉल गिराऊंगा मैं, ठीक है। चलो ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है। और इस ये प्लेटफॉर्म ग्राउंड से कुछ यच हाइट पर है, ठीक है, मान लो कुछ हाइट पर। यहाँ से हमने एक बॉल ड्रॉप किया है। अब जब बॉल ड्रॉप कर रहे हैं तो टाइम टी इज इक्वल टू जीरो है, आ गई समझ में। टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर एक बॉल मैंने नीचे गिरा दिया, ठीक है। कुछ टाइम बाद, 6 सेकंड बाद, हमने दूसरा बॉल गिराया नहीं, थ्रो किया, नीचे फेंक दिया, तो उसके पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। जब ये पहला वाला बॉल यहाँ से गिराया गया तो पहला वाला इधर कहीं आया, आ रहा होगा, ठीक है। चलो मान लो फर्स्ट वाला यहाँ कहीं पे, फर्स्ट वाला बॉल यहाँ कहीं आया होगा, ठीक है। अब दूसरा वाला बॉल यहां से चलेगा, दूसरे वाले को मैं दूसरे कलर से बना देता हूं। दूसरे वाले बॉल को यहां से थ्रो कर दिया गया, वो दूसरा वाला जो बॉल है वो पहले वाले से मिल जा रहा है, ठीक है, समझना। जो येलो वाला है वो दूसरा वाला बॉल है, और ये दोनों एच हाइट पे आके मिल गए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसमें जो मीटिंग का टाइम है वो 18 सेकेंड है। 18 सेकेंड बाद जो दूसरा वाला बॉल है, जो पहला वाला नीचे जा रहा था, उससे मिल गया, और ये जो फेंका गया है वो फेंका गया विद वेलोसिटी वी से, वी से थ्रो किया गया, नीचे थ्रो किया गया, समझ रहे ना। दो डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, एक ही में समझा रहा हूँ। नीचे थ्रो कर दिया गया दूसरा वाला, उसकी वेलोसिटी वी है। तो 18 सेकंड बाद जब मिल गया तो हमें वी की वैल्यू निकालना है। अब जब ये सोचो, थोड़ा सा रुक के दिमाग लगा के सोचो कि टाइम की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हुई थी। टाइम की काउंटिंग टी इक्वल टू जीरो पहले बॉल से स्टार्ट हुई थी। तो जब पहला बॉल यहाँ से यहाँ तक आएगा तो उसको कितना टाइम लगा होगा, ठीक है भाई, उसको कितना टाइम लगा होगा, 18 सेकंड लगा होगा। क्यों? क्योंकि जो 18 सेकंड बाद दूसरा वाला पहले से मिल रहा है, समझ रहे हो, 18 सेकंड बाद दूसरा वाला बॉल पहले से मिला, इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरा वाला बॉल है 6 सेकंड बाद गिराया गया है, तो उसको यहाँ से यहाँ तक आने में 12 सेकंड लगा होगा, और पहले वाले को यहाँ से यहाँ तक आने में 18 सेकंड लगा होगा। T इक्वल टू जीरो पहले वाले बॉल से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो फॉर फर्स्ट बॉल, पहले वाले बॉल के लिए देखो, फर्स्ट बॉल जो है वो T इक्वल टू जीरो पे गिराया गया था, लेकिन जब ये 18 सेकंड बाद मिल गया तो इसके लिए टाइम ऑफ मीटिंग मिलने का जो टाइम है पहले वाले के लिए T, वो 18 सेकंड होगा, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ से 18 सेकंड बाद आया होगा तभी तो ये जो हाइट है वो h है। तो पहले वाले के लिए लगा दूँ h1 = ut plus half gt स्क्वायर, मतलब 18 का स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। चलो उसी तरह से दूसरा वाला बॉल है उसके लिए h2 = नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया हूँ, vt plus half g और टाइम ऑफ मीटिंग 12 का स्क्वायर। दूसरे वाले बॉल के लिए भाई 6 सेकंड कटा दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें भी निकालना है, तो ऑब्वियसली निकाल लेते हैं। H1 बराबर होगा H2 के, क्योंकि जब वो मीटिंग हो रहा है, जो ना मिल रहे हैं, तो वो हाइट कॉमन हो जाएगा। तो हाइट अगर कॉमन हो गया तो इन दोनों को मिला दोगे, इक्वेट कर दो, तो इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो ये दोनों बराबर हो गए। और 1/2 g यहाँ से कॉमन हो गया, 18 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, और दैट इज vt के इक्वल हो गया। और v, ठीक है, दूसरे वाले के इसमें v की वैल्यू कितनी हो गई, 12t, तो ये 1/2 और g की वैल्यू 10 ले लो, ठीक है, और ये 18 का स्क्वायर 324 और माइनस 144, और ये आ जाएगा 12t, ठीक है। तो 12t तो ये आ जाएगा 5 और मल्टीप्लाइड बाई, इसको माइनस कर दो, और 0 और 8 और 180 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज टाइम t, ठीक है। ये टाइम t हमें v निकालना था ना, तो ये v है, तो ये आ जाएगा v, तो ये जो v आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 6 दूना 12, 6 3 18, तो
और ये 75 भी इक्वल टू 75 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया होगा, ठीक है ना, दूसरे वाले बॉल को नीचे डाउनवर्ड, ठीक है 75 है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, क्लियर है। चलो दूसरा देखो, ये कहता है पार्टिकल मूव विद डिस्टेंस एक्स और टाइम, ठीक है, जो पोजीशन है वो टाइम का फंक्शन है, पोजीशन टाइम पर डिपेंड करता है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे पोजीशन बदलेगा, ठीक है। अब एक्सलेशन निकालना है, एक्सलेशन डिस्टेंस के टर्म में निकालना है, ऑप्शन से पता चल रहा मुझे, और वेलोसिटी के टर्म में निकालना है, ऐसे नहीं टाइम के टर्म में नहीं निकालना एक्सलेशन। तो पहले हम ये जाने कि एक्सलेशन निकालते कैसे हैं, एक्सलेशन डिस्टेंस से पोजीशन से डिफरेंशिएट करके निकालते हैं, दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो चलो इसको दो बार डिफरेंशिएट करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या होगा, ठीक है। चलो तो हमें एक्सलेशन चाहिए, तो जो पोजीशन है, जब पोजीशन है कितना है, t+5 टी की पावर माइनस वन, बच्चों को यहाँ दिक्कत क्या आती है, बार बार ये डाउट में लेके आते हैं, क्या प्रॉब्लम आती है, वो इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने में उनको दिक्कत आती है, ठीक है। तो ये तो अब जो वेलोसिटी हो जाएगी dx अपॉन dt। अब इसको डिफरेंशिएट करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, अगर थोड़ा सा भी बेसिक मैथमेटिक्स आपको आता है, फिर भी मैं एक बार आपको हेल्प के लिए बता देता हूँ। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन सब रट लेते हैं, लेकिन अगर यहीं पे आ जाता है कि d अपन डी एक्स, एक्स की पावर n नहीं, x की a प्लस बी एक्स की पावर n है, तो x ही पर एक्सटेंड हो गया है, तो इस पूरे को जब हम मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये पावर वाला फार्मूला एक बार पूरे पे लगा देता हूं, तो n सामने आ गया और a प्लस बी और x की पावर n माइनस वन आ गया, ठीक है। और साथ साथ ये इसमें चेन रूल ये भी डिफरेंशिएट होता है, तो dy upon dx ये dy upon dx दिया जाएगा a प्लस बी एक्स, dy upon dx a प्लस बी एक्स, ये रूल होता है, ठीक है। इस रूल से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पहले पूरे को डिफरेंशिएट किए, उसके बाद जो उसके अंदर फंक्शन था उसको भी डिफरेंशिएट किए, ठीक है। तो अब चलो ये रूल अगर मैं इस पर लगाता हूँ तो मुझे वेलोसिटी दिखेगी, तो वेलोसिटी दिखेगी तो टी माइनस सामने, ये कूद के सामने आ जाएगा, ठीक है। तो ये टी प्लस फाइव और माइनस टू, और साथ साथ ये भी डिफरेंशिएट होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक बार आपकी भलाई के लिए लिख देता हूँ समझने के लिए यार, ठीक है। टी प्लस फाइव का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में वन होगा यार, फाइव का हो गया जीरो और टी का हो गया वन, तो ये हमें वेलोसिटी दिखने लगी, तो वेलोसिटी भी इज इक्वल टू माइनस वन माइनस माइनस टी प्लस फाइव की पावर माइनस टू, तो ये वेलोसिटी है। अभी हमारी बात बनी नहीं यार, हमें जो चाहिए, ध्यान देना, हमें जो चाहिए एक्सलेशन चाहिए डिस्टेंस या वेलोसिटी के टर्म में, तो एक बार और तो करेंगे इसको, एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो एक्सलेशन a इज इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपन डी टी स्क्वायर या डी वी अपन डी टी, ठीक है ना, बात बराबर है, इसका दो बार हो चुका है, इसका एक बार होगा, ठीक है। तो ये माइनस वन पहले था और माइनस टू ये कूद के बाहर आ गया, सामने आ जाता है, ठीक है। और ये टी प्लस फाइव की पावर माइनस थ्री और इसका एक बार, ठीक है, तो ये आ जाएगा टू और टी की टी प्लस एक्स पावर माइनस थ्री, तो दिस इज द एक्सलेशन, ये हमें एक्सलेशन आ गया। लेकिन हमारा जो सोल्यूशन है वो हमें डिस्टेंस या पोजीशन के टर्म में चाहिए, तो अब मैं इसी में पोजीशन इन्वॉल्व करूंगा, इसके अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करूंगा यार, कहाँ से इन्वॉल्व करूँ, पोजीशन यहाँ दिया था तो यहाँ से उठा के लेके आओ पोजीशन को, इसके अंदर कहीं एडजस्ट करो जिसे पूरा का पूरा एक्सलेशन पोजीशन के टर्म में दिखाई दे। तो ये जो पोजीशन है उसको कुछ करते हैं, तो करेंगे तो वन टी प्लस फाइव लिख सकता हूँ, दैट इज एक्स, इसका मतलब ये हुआ कि टी प्लस फाइव की जो वैल्यू है वन अपन एक्स के इक्वल है, ठीक है, वन अपन एक्स के इक्वल है, या ऐसे भी समझ सकते हो। तो इस एक्सप्रेशन को समझो, इस एक्सप्रेशन को मैं टू वन प्लस टी प्लस फाइव की पावर थ्री लिख सकता हूँ ना भाई, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा जो है टू और ये पूरा वन, ये पूरे का वन है ना, तो ये पूरा एक बराबर लिख दू टी प्लस फाइव का क्यू, ऐसे लिख सकते हो। और वन प्लस टी प्लस फाइव क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब है हुआ टू एक्स की पावर क्यू, दैट इज द एक्सलेशन। मतलब कुल मिला के जो एक्सलेशन है वो डिस्टेंस से एक्स की प्लस पावर थ्री के प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। देखो ना कैसे मैं किया हूँ,
तो इस टाइप से हमारा जो ऑप्शन है कोई, हाँ एक तो है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करो। चलो ये एक आसान पार्ट, मतलब आसान क्वेश्चन है। ए पार्टिकल स्टार्ट इट्स मोशन, एक पार्टिकल मोशन स्टार्ट करता है, कहाँ से स्टार्ट करता है और कैसे चलता है, क्वेश्चन में बताया गया है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मोशन, जस्ट से स्टार्ट हुआ है विथ ए कॉन्स्टेंट फोर्स। अब देखो कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है तो एक्सलेशन भी कॉन्स्टेंट होगा, मतलब ये हुआ इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा इसमें। इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड इज एस वन। अब देखो यहाँ से चला और ये S1 चला और उसने टाइम ले लिया 10 सेकेंड, ठीक है, चलो, और कवर्ड 20 नेक्स्ट फर्स्ट 20 सेकेंड। ध्यान देना यहाँ से टाइम स्टार्ट हुआ था T इक्वल टू जीरो, तो O से A तक जाने में डिस्टेंस S1 हुआ, फिर आगे जब गया B तक, B पॉइंट तक, तो वो जो डिस्टेंस चला यहाँ से वो S2 चला और ये चला S1, और यहाँ से जो टाइम लग गया वो 20 सेकेंड लग गया, मतलब यहाँ से S1 और S2, तो हमें S1 और S2 को रिलेट करना है, समझना। अब क्या मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ? ऑब्वियसली लगा सकता हूँ, सेकेंड कैटेगरी का प्रॉब्लम है जिसमें एक एक्सलेशन क्या होता है, कॉन्स्टेंट है, क्योंकि फोर्स कॉन्स्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं पहले के लिए लगाऊं तो टाइम दिया यस दिया, तो इसका मतलब मैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फर्स्ट कंडीशन के लिए लगा रहा हूं। तो एस वन जस्ट से चला था जीरो, हाफ जी जी नहीं, ए एक कांस्टेंट और टाइम टी का स्क्वायर, ठीक है, टेन का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा जो एस टू आ जाएगा वो आ जाएगा हाफ ए और ये 20 का स्क्वायर, ठीक है, 20 का स्क्वायर ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर टू, क्योंकि एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है। फर्स्ट सेकेंड में डिवाइड कर दो, तो फर्स्ट सेकेंड में डिवाइड कर दोगे तो एस टू इज इक्वल टू 4 टाइम्स एस वन, ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, मतलब 4 बी ऑप्शन सही है, आसान था ये, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। चलो ए बस इज मूविंग विथ स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ऑन ए स्ट्रेट रोड एंड स्कूटरिस्ट विशेस टू ओवरटेक द बस इन 100 सेकेंड। देखो ये एक बस जा रही थी, ठीक है, बस ये जो बस थी वो कुछ ऐसे जा रही थी बस, ठीक है, ऐसे बस होती है। यहाँ से एक स्कूटर वाला था, ठीक है, स्कूटर वाला आ रहा है और उसकी इच्छा है कि इस बस को क्रॉस कर दे, ओवरटेक कर दे। ओवरटेकिंग का मतलब होता है जस्ट, अगर यहाँ से ये कितना डिस्टेंस पर है, 1 किलोमीटर पे है, ठीक है, द बस इज ए डिस्टेंस 1 किलोमीटर, ये 100 मीटर या 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इसकी इच्छा हुई कि मैं इस बस को क्रॉस कर दूँ, ठीक है। और जब ये क्रॉस कर ओवरटेक कर देगा तो ये ओवरटेक कर दिया 100 सेकेंड में, टाइम ले लिया ओवरटेकिंग का 100 सेकेंड, समझ रहे हो। और बस मूविंग विथ स्पीड, जो बस की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड शुड स्कूटरिस्ट की कितनी स्पीड होनी चाहिए। अब देखो जब ये बस आगे जा रहा है, ये एक रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इनके बीच का जो ये जो सेपरेशन है वो रिलेटिवली, जब ये दोनों ऐसे आगे जाएंगे तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो एक रिलेटिवली चेंज हो रहा है, पोजीशन रिलेटिवली चेंज हो रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली रिलेटिव आएगा, ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी। तो ऐसे क्रॉसिंग में ब्रिज वाला बहुत सारा रेगुलर कोर्स में मैं बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसे करवाता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा दिक्कत आता है बच्चों को। इसको आप 1D से भी कर सकते हैं, रिलेटिव से भी कर सकते हैं, एग्जाम में रिलेटिव से ही करोगे क्योंकि वो टाइम बचाएगा, ठीक है ना। तो चलो, तो अब मैं इसको अगर रिलेटिव से करता हूँ तो रिलेटिव जो सेपरेशन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, क्योंकि कहीं पे एक्सलेशन, सभी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है तो एक्सलेशन जीरो है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड और मल्टीप्लाइड बाई टाइम, ठीक है। लेकिन स्पीड डिस्टेंस 1000 किलोमीटर और स्पीड यहाँ रिलेटिव आ जाएगा, तो रिलेटिव स्पीड जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड क्या होता है, वी वन माइनस वी टू, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो ये आ जाएगा वी वन माइनस वी टू। इसका मतलब ये हुआ, हाँ दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड ऑफ वन विथ रिस्पेक्ट टू अदर वी वन माइनस वी टू, तो वी वन माइनस वी टू इसका मतलब ये हुआ
10 माइनस बी स्कूटर और टाइम लग गया 100 सेकेंड, ठीक है 100 सेकेंड ये वाली चीज़। इसका मतलब ये हुआ, समझ रहे हो, यहाँ से आप भी निकाल लो, तो बेसिकली यहाँ से जब भी निकालोगे, ठीक है, तो देखो कि देखो कितना होता है, तो ये जीरो ने जीरो, जीरो ने जीरो को काट दिया, तो यह आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 10 और माइनस बी, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें मैग्नीट्यूड उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, तब वो ए मॉड लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ 10 और ये भी माइनस 10 हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड तो भी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, उस हिसाब से तो जीरो आ जाएगा, तो उस हिसाब से ये हमें ज़ीरो आ जाएगा, तो यहाँ भी माइनस 10 करना पड़ेगा हमें, भी माइनस 10 करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वाली चीज़, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तभी जाके वो एक्चुअली ओवरटेक कर पाएगा यार, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस, अगर ये 10 से जा रहा है, ये भी 10 से जाएगा, तो ये डिस्टेंस हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर ये इसकी स्पीड इससे ज़्यादा हो गई, तो ये कभी ओवरटेक कर ही नहीं पाएगा, ठीक है भाई। ये 10 से ये 5 से जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, तो ये हमेशा पीछे होता जाएगा पर सेकेंड, ठीक है। अगर ये हाई स्पीड से जा रहा है, ठीक है, तभी इसको ओवरटेक कर पाएगा, इसलिए यहाँ बी माइनस 10 होगा, ठीक है। चलो, ए पार्टिकल मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सलेशन, चलो इसमें पहले ही बता दिया कि एक्सलेशन भैया कॉन्स्टेंट है, ठीक है, एंड इट्स चेंज इट्स वेलोसिटी 10 to 20। अब देखो, जब एक्सलेशन कॉन्स्टेंट है, तो उस कॉन्स्टेंट एक्सलेशन से जो वेलोसिटी है 10 से 20 हो गई, इन पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस 130 मीटर इन टाइम टी, टी टाइम में जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में 135 मीटर ये डिस्टेंस है, ठीक है, ए और बी तक जाने में टाइम लग गया होगा टी, और ए और बी पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, क्लियर है। तो वैल्यू ऑफ टी हमें निकालना, अब टी कैसे निकाला जाए यार, ठीक है, तो टी निकालने के लिए मुझे एक्सलेशन ए इज इक्वल टू, एक्सलेशन ए इज इक्वल टू बी माइनस यू टाइम टी, ठीक है, बट टी हमें पता ही नहीं है, तो फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस 10 अपॉन टी, तो ए आ जाएगा 20 अपॉन टी इज इक्वल टू 10 बाई टी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि हमें एक्सलेशन भी नहीं पता है, तो एक्सलेशन नहीं पता, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके एक्सलेशन पता कर लें, ठीक है। आप इसको सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी लगा सकते हो, एस इज इक्वल टू यू टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से लगा सकते हो, ऑब्वियसली लगा सकते हो। इस ए को उठा के इसमें रख दो, ठीक है, इस ए को उठा के इसमें रख दो, ठीक है, और ये यू यहाँ दिया हुआ है, और यहाँ ये 135 है, और थर्ड इक्वेशन से भी लगा सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as से भी लगा सकते हो, तो वी स्क्वायर बोलो 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, और माइनस इसका स्क्वायर 10 का 100 इज इक्वल टू 2 एक्सलेशन ए डिस्टेंस 135, ठीक है, तो 135, तो एक्सलेशन की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी 300, और 135 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 270, 35 × 70 और 203, ठीक है 270, तो ये जीरो ने जीरो काट दिया, और ये आ जाएगा 10/9, ठीक है, तो ये ए की वैल्यू यहाँ डाल दो, ये आ जाएगा 10/9, दैट इज इक्वल टू t/t, मतलब t की वैल्यू 9 सेकेंड, ठीक है। तो इसको ए से बी तक जाने में अपनी वेलोसिटी 10 से 20 करने में और 135 मीटर चलने में जो टाइम लगा होगा वो 9 सेकेंड लगा होगा, दैट इज बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ये प्रॉब्लम करो, कहता है डिस्टेंस ट्रेवल द पार्टिकल फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विथ एक्सलेशन। अगर ये पार्टिकल जो है डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट किया u0 एंड एक्सलेशन इज इक्वल टू दिया हुआ है 4/3 है, ठीक है, इन थर्ड सेकेंड, ठीक है थर्ड सेकेंड, ठीक है। अब इसको तुम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, s इज इक्वल टू ut से भी कर सकते हो, और ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन था उससे भी कर सकते हो। फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 एंड 2n माइनस 1, है क्लियर है, ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है।
ये क्या, ये एक एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल के देता, एक एक सेकंड में, समझना। यहां टाइम जीरो था, ठीक है, फिर यहां टाइम वन सेकंड हो गया, फिर इधर टाइम टू सेकंड हो गया, ठीक है, टी टू, और इधर टाइम थ्री सेकंड हो गया। तो एक एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना होता है, ये एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, ये दूसरा वाला सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, और ये तीसरे वाले सेकंड में डिस्प्लेसमेंट है, थर्ड सेकंड, ठीक है, समझ रहे हो ना। ये तो एक एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं इसको लगाता हूं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। चलो, तो या तो मैं इसको डायरेक्ट लगा दूं, या तो मैं जीरो से लेके तीन तक निकाल लूं, और फिर जीरो से लेके दो तक निकाल दूं, और फिर माइनस कर दो, तो भी आ जाएगा सेकंड इक्वेशन। वो प्रोसेस लंबा है, इसको डायरेक्ट लगा दो, ठीक है, डायरेक्ट लगा दोगे तो डिस्टेंस इन nth सेकंड कितना आ जाएगा, बोलो। रेस्ट चला था, u जीरो हो गया, ये आ गया थ्री, और ये आ जाएगा टू, और दैट इज टू, एंड थर्ड सेकंड है, तो तीन दूना छः और एक फाइव, ठीक है। तो समझ रहे ना, तीन की वैल्यू, यहाँ n की वैल्यू तीन डालिया, तो ये सिक्स माइनस वन फाइव, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, टू ने टू को, ये आ जाएगा टेन बाई थ्री। तो 10 बाई थ्री जो है वो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है, 10 बाई थ्री मीटर चला होगा थर्ड सेकंड में। हर एक सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने की जरूरत पड़ती है, तो ये क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको करो, देखो, ट्राई करो, देखो, खुद सॉल्व करो, कि एक पार्टिकल मूव करता है अलोंग द एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, जिसका एक्सेलेरेशन एफ से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और टी टाइम बाद उसका एक्सेलेरेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, एक्सेलेरेशन वेरिएबल है। अगर एक्सेलेरेशन वेरिएबल है तो इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगेगा, ठीक है, हमें कैलकुलस लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन वेरिएबल है, वेयर एफ नॉट टी आर कॉन्स्टेंट, टी इज इक्वल टू जीरो पर वेलोसिटी जीरो थी, द पार्टिकल मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, ऐसा बताया गया है। टाइम इंटरवल एक बता दिया गया, एक टाइम का इंटरवल बता दिया गया, कि इन द टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू जीरो एंड द इंस्टेंट एफ इज इक्वल टू पार्टिकल वेलोसिटी, ये कहता है इन द टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू बिटवीन जीरो एंड, यहाँ एक इंटरवल छूट गया, मिसिंग है, ठीक है, क्योंकि यार टाइम अगर इंटरवल डिफाइन किया जाएगा तो एक पर्टिकुलर इंटरवल डिफाइन किया जाएगा, उस इंटरवल में इन द इंटरवल टी इज इक्वल टू जीरो टू कैपिटल टी, यहाँ पे ये जो इंटरवल है, इंटरवल टी इज इक्वल टू जीरो टू यहाँ पे कैपिटल टी, द इंस्टेंट एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू जीरो, द पार्टिकल वेलोसिटी, जब एक्सेलेरेशन जीरो हुआ तो पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी वो हमें पता करना है। क्या आपको एक्सेलेरेशन पता है? नहीं पता है। क्या आपको ये बात पता है कि वह टाइम कौन सा है जहां पर एक्सेलेरेशन जीरो हुआ? वो भी नहीं पता है। जब वेलोसिटी हमें पता करना है तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी निकालते हैं, मैं आपको बताया हूं कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो इंटीग्रेट करते हैं, एक्सेलेरेशन से वेलोसिटी, फिर पोजीशन, तो इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन तो यूज होगा ही होगा, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी भी इज इक्वल टू डी एक्स अपान डी टी होता है, ठीक है, और एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू डी वी अपान डी टी होता है। तो मुझे इस एक्सेलेरेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलेरेशन ए इज इक्वल टू डी एफ अपान डी टी, और ये आपको दिया हुआ है एक्स ए कि जो एक्सेलेरेशन है वो टाइम का फंक्शन है एफ नॉट वन माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डी एफ वेलोसिटी है ना, यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे डी बी है ना, डी बी आएगी, डी बी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी बी की वैल्यू आ जाएगी वो एफ नॉट वन माइनस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, दैट इज द डी टी, इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो मुझे वेलोसिटी दिखने लगेगी। जब टाइम जीरो था तो वेलोसिटी जीरो थी, ऐसा लिमिट दिया हुआ है। जब टाइम जीरो था, कैपिटल टी हुआ, तो वेलोसिटी भी हुआ, वेलोसिटी स्मॉल टी
किसी इंस्टेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है किसी इंस्टेंट, जब टाइम टी हुआ तो वेलोसिटी भी हुआ, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे वह कौन सा टाइम है जब वेलोसिटी हमें चाहिए। चलो तो इसके बाद इधर आ जाएगा वी और इधर आ जाएगा एफ नॉट, कॉमन हो गया, और इधर इधर जब इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन, इसका वन का इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, और ये माइनस टी स्क्वायर अपन टी स्क्वायर अपन टू कैपिटल टी, और लिमिट जीरो टू टी रखोगे तो लिमिट जीरो टू टी रखोगे तो फिर यही मिल जाएगा हमें। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एफ नॉट टी माइनस टी स्क्वायर अपन टू कैपिटल टी, ये जो है वो वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट आ गई, दिस इज वेलोसिटी दैट इज टाइम डिपेंडेंट। अब देखो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है द इंस्टेंट व्हेन एफ इज इक्वल टू जीरो, जब एक्सलेशन जीरो होगा द पार्टिकल वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी चाहिए, यही चाहिए पार्टिकल की वेलोसिटी, कब, जब एक्सलेशन जीरो हुआ। तो एक्सलेशन जीरो कब हुआ वो टाइम हमें पता ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट इसमें रख देता हूँ, डायरेक्ट एक्सलेशन वाला में रख देता हूँ, यहाँ पे एक्सलेशन जीरो कर देता हूँ, और ये एफ नॉट और वन माइनस स्मॉल टी अपन कैपिटल टी, तो एफ नॉट इक्वल टू वन स्मॉल टी अपन कैपिटल टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ स्मॉल टी अपन कैपिटल टी, ये वो स्पेशल टाइम है जब पार्टिकल का एक्सलेशन जीरो हो गया है। तो अगर पार्टिकल का एक्सलेशन जीरो हो गया टी इक्वल टू कैपिटल टी पे, तो उस वक्त वेलोसिटी कितनी हो गई, तो वेलोसिटी हो गई एफ नॉट कैपिटल टी माइनस कैपिटल टी का स्क्वायर अपन टू टी, तो ठीक है, तो कैपिटल टी स्क्वायर अपन टू टी, इसका मतलब ये हुआ कि एफ नॉट इज इक्वल टू टी माइनस टी बाई टू, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ टी माइनस टी बाई टू, इसका मतलब वन बाई टू एफ नॉट कैपिटल टी, ये वो वेलोसिटी है जब एक्सलेशन जीरो हो, जीरो हुआ होगा उस वक्त वेलोसिटी इतनी होगी, मतलब वेलोसिटी जीरो है, अब एक्सलेशन जीरो है वेलोसिटी जीरो नहीं है, और ऐसा हो सकता है, ठीक है, दैट इज सी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। अगर ये दोनों जीरो हो जाएंगे तब तो पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट का कंडीशन लग जाएगा ना, एक आसान प्रॉब्लम है, एक पार्टिकल मूव करता है x टू y विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड भी u एंड रिटर्न y विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड भी d, कहता है एवरेज स्पीड, ये तो आपको फार्मूला ये याद होगा डायरेक्ट, ठीक है, अगर इसको याद नहीं है मैं बता दे रहा हूँ, याद कर ले यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज होता है। चलो एक बार डिराइव कर देते हैं, कोई भी काइनामेटिक्स में अगर डिस्टेंस x है, ठीक है, अगर एक पार्टिकल x डिस्टेंस v1 से चलता है फिर वही डिस्टेंस v2 से चलता है, ठीक है, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस 2x और टोटल टाइम t1 प्लस t2, जाने में टाइम t1 लगा और आने में टाइम t2 लगा, तो इनमें वैल्यू डाल दो, तो 2x 2x और x अपान v1 और प्लस x अपान v2, ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो तो v एवरेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स v1 v2 एंड दैट इज v1 प्लस v2, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको हम डायरेक्ट लगाते हैं कि अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर एक 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 50 किलोमीटर v1 से चला और नेक्स्ट 50 किलोमीटर v2 से चला, तो आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हो, या जहां से गया था वहीं वापस आ गया, अलग अलग स्पीड है तो इसको डायरेक्ट लगा सकते हो एवरेज स्पीड। चलो द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक्स पोजीशन और टाइम का एक रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन मैक्सिमम स्पीड, अब देखो इसमें एक कंडीशन लगा दिया कि मैक्सिमम स्पीड होगी तो वो कितना पोजीशन है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ ओरिजिन से जीरो पे इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में बताया होगा, बता रहा है, तो मैक्सिमम स्पीड यहाँ पर मान लो स्पीड मैक्सिमम हो गई तो ये पोजीशन कितना होगा वो हमें निकालना है, और पोजीशन टाइम से रिलेशन आपको दिया हुआ है, पोजीशन x इज इक्वल टू, पोजीशन x इक्वल टू 9t² माइनस t की पावर क्यू, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे ये जानना पड़ेगा कि वेलोसिटी कितनी है, और वेलोसिटी है तो मैक्सिमम कहाँ हुई, वो टाइम कौन सा है जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, तो तभी तो मैं डायरेक्ट इसमें रख दूंगा, अगर मुझे पता चल जाए कि वेलोसिटी जब मैक्सिमम हुई है वो टाइम कौन सा है तो मैं इसी में डायरेक्ट रख दूंगा, तो हमें पोजीशन पता चल जाएगा। तो हमारा टारगेट है
जब वेलोसिटी मैक्सिमम हुई है वो टाइम निकालना। सबसे पहले वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं भैया, डीएक्स अपॉन डीटी, तो वेलोसिटी डीएक्स अपॉन डीटी, एक बार इसको डिफरेंशिएट कर दें तो यह आ जाएगा 18t और माइनस 63t का स्क्वायर, दैट इज वेलोसिटी भी। ठीक है, अब वेलोसिटी भी मैक्सिमम तब होती है, ठीक है, जब डीवी अपॉन डीएक्स इज इक्वल टू डीवी अपॉन डीटी, डीवी अपॉन डीटी दैट इज इक्वल टू जीरो। ये आपको याद होगा, ठीक है, कि कोई कोई भी वाई है, वाई मैक्सिमम कब होती है, जब डी वाई ओवर डी एक्स इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तब वाई मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, है ना, पढ़े हो ना कैलकुलस में, मैथमेटिकल टूल में, कि वाई एक फंक्शन है और वाई मैक्सिमम और मिनिमम तभी होगा जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होगा। ठीक है, तो अब जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कब होगी, तो मुझे वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, एक बार और इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यह जाएगा 18 माइनस 6t इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी, है ना, 3 सेकेंड बाद वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी, तो ये जो 3 सेकेंड है वो ला के यहाँ पर डाल दोगे तो डायरेक्ट मुझे पोजीशन दिखने लगेगा जब वेलोसिटी मैक्सिमम हुई थी, तो उस वक्त जो पोजीशन है वो 9 और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस ये 3 का क्यूब 27, ठीक है, तो ये आ जाएगा 81 और माइनस 27, तो 81 माइनस 27, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 4 और 754, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, चलो फर्स्ट ऑप्शन सही है, क्लियर है। नेक्स्ट ये देखो, कहता है कार रन एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक पे एक कार चल रही है, काइनामेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसकी रेडियस आर है, ठीक है, और आर की वैल्यू जो है वो 100 मीटर है, 100 मीटर दैट इज द आर, ठीक है ना, ये आर है जो कि 100 मीटर है, दिस इज द आर दैट इज द 100 मीटर, और 6.2 सेकेंड फॉर एवरी सर्कुलर लैप, और ये क्या है, टाइम पीरियड है, टाइम यहाँ से ए से चलने में दोबारा ए पर आने में जो टाइम है वो 62.8 सेकेंड है। कहता है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, आप सबको पता है कि अगर पार्टिकल सर्कल पे चलता है या किसी भी दुनिया में कहीं भी जाता है, अगर वहीं आ जाता है तो उसकी एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मतलब ये या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है, और ये सही नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी पूछा है, और ये भी कभी सही नहीं हो सकता यार, क्योंकि पार्टिकल मोशन स्टार्ट करके जब वहीं आ जाता है तो एवरेज स्पीड कभी जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्टेंस कभी जीरो हुआ ही नहीं, ठीक है, तो लॉजिकली तो यही है, पर मैथमेटिकली भी कर सकते हो, अब जो मैथमेटिकली करेंगे उनको कैलकुलेशन में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना ट्रेवल करें, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम टी, ठीक है, तो डिस्टेंस स्पीड जो है एवरेज स्पीड रेडियस इतना है, टाइम इतना लिया, तो हमें स्पीड, हाँ स्पीड डिस्टेंस 2πr और स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड टी, और यह आ जाएगा कैपिटल टी, एवरेज स्पीड टोटल डिस्ट, हमें स्पीड पूछा है, तो स्पीड पूछा है, तो एक मिनट, तो हमें स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, एवरेज स्पीड भी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, एवरेज स्पीड, तो जब ये यहाँ से पूरा जब कवर करेगा पूरा डिस्टेंस कितना चलेगा 2πr, और उसको जो टाइम लगेगा वो दिया हुआ है, तो 2 और पाई 3.14 और आर की वैल्यू 100 मीटर और टाइम की वैल्यू 62.8, अब जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, और आएगा यही, तो लॉजिकली ज़्यादा सही था, सर्कुलर मोशन प्रॉब्लम था, ठीक है। पार्टिकल मूव अलोंग द लाइन OX, ठीक है, एक पार्टिकल OX लाइन में चलता है, ये X और ये वो है, तो ये आ गया पूरा OX है, ठीक है, क्लियर है। अब कहता है कि इसका जो पोजीशन है वो X पर डिपेंड करता है, यार जो पोजीशन है X पर डिपेंड करता है, तो ये आ जाएगा 40 प्लस
40 प्लस 12 बटी और माइनस टी की पावर क्यू, दैट इज ए पोजीशन टाइम डिपेंडेंट, पोजीशन टाइम का फंक्शन है, जैसे जैसे टाइम बदलेगा वैसे वैसे पोजीशन बदलेगा। हाउ लॉन्ग द पार्टिकल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट में आने से पहले वो कितनी दूर तक गया होगा ये हमें निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस निकालना है कि कितनी दूर, हमें ये पता करना पड़ेगा वो टाइम कौन सा है जब पार्टिकल रेस्ट में आया, ठीक है। चलो, जब पार्टिकल रेस्ट में आता है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। अगर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो पहले इसको मैं वेलोसिटी निकाल लेता हूँ, तो वेलोसिटी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो वेलोसिटी बी इक्वल टू 12 और माइनस 3t स्क्वायर dx अपॉन dt। अब जब वेलोसिटी जीरो रेस्ट में आया होगा तो वेलोसिटी जीरो हुई होगी, तो ये 12 माइनस 3t स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि टाइम की इक्वल टू 2 प्लस माइनस 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो हो चुकी होगी, मतलब रुक गया होगा, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग द पार्टिकल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, अब अगर मैं 2 सेकेंड रख दूंगा तो वो कितना चला उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें पोजीशन x इज इक्वल टू, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो ये आ जाएगा 40 प्लस 24, ठीक है, 40 प्लस 24 और माइनस 8, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि 64 एंड माइनस 8 इज इक्वल टू 50, ठीक है, ये आ जाएगा 56, ठीक है, और वो 64, ठीक है, 56 है ना, डी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, 56 सेकेंड, डी ऑप्शन इसका सही है 54। चलो नेक्स्ट कहता है, ये टू बॉडी, देखो दो बॉडी हैं, एक ए है और एक बी है, अलग अलग मासेस हैं। आपको पता है कि मासेस काइनेमेटिक्स में रोल प्ले नहीं करता है, जब तक उस पर अगर मतलब अगर मासेस, देखो अगर मैं किसी एच हाइट की बिल्डिंग से एक मिनट, मासेस मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मैं एच हाइट की बिल्डिंग से 1 kg और 3 kg का बॉल ड्रॉप करता हूँ तो मास कोई रोल प्ले नहीं करता, ये मेरे कहने का मतलब था, ठीक है, ऐसा नहीं। तो ये 1 kg और 3 kg का ड्रॉप एच हाइट से ड्रॉप करता हूँ तो मासेस का कोई रोल नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सलेशन अर्थ लगा रही है, ठीक है। अब रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, ग्राउंड तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा ये हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो एच हाइट है तो एच हाइट पर इनका जो एक्सलेशन है वो जी है, 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड है, वो इस बॉडी की मास से कोई लेने देना नहीं है, है ना, इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि वो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चलो, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो टाइम निकालना, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दो, हाफ ए टी स्क्वायर, जब आप जीरो से गिराए थे, ड्रॉप किए थे, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ड्रॉप करने पर इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है, तो h1 तो टाइम t1 इज इक्वल टू 2h अपान जी अंडर रूट, ठीक है, 2h अपान जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम का रेशियो है द टाइम ऑफ टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड। अब कहता है कि हाइट अलग अलग है तो टाइम टेकन मतलब t1 अपान t2 का जो रेशियो है t1 अपान t2, ठीक है, h के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब h1 अपान h2 अंडर रूट कर सकते हो ना भाई, ठीक है, h1 पहले कितना, 16 अपान 25 4 by 5 ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये कहता है ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट हैज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड जब वो मैक्सिमम हाइट के आधे पर पहुंचता है। अगर मैं एक बॉल को यहाँ से फेंकता हूँ, तो ये जो है मैक्सिमम हाइट h है और मैक्सिमम हाइट का आधा h बाई 2 है और यहाँ पर उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है आधे पर, समझना, जब हाफ हाफ हुआ यहाँ पर उसकी स्पीड
10 मीटर पर सेकेंड है और यह हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, स्पीड जीरो हो गया होगा। कहता हाउ हाई बॉल राइज, कितना हाइट राइज किया होगा, तो यच कैसे निकाला जाए यार। देखो यच निकालने का आसान तरीका यह है कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो यच बाई टू है, यच बाई टू के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया जाए। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस लगा दिया जाए, ठीक है। अब ये आपको सोचना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो फाइनल हाईएस्ट पॉइंट पे जीरो और इनिशियल टेन का स्क्वायर, ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव ले लिया हूँ टू, तो नीचे माइनस टेन और डिस्प्लेसमेंट एच बाई टू हो गया, तो टू ने टू को, ठीक है, और एक टेन ने एक टेन को, तो जो हाइट आ जाएगा वो टेन मीटर आ जाएगा, ठीक है। जो हाइट आ जाएगा वो 10 मीटर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ से ऊपर, क्योंकि ऊपर हमने पॉजिटिव ले लिए थे। नेक्स्ट ये क्वेश्चन करो, इस क्वेश्चन में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाउट आता है बच्चों को, ठीक है ना। दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज कम इन डाउट सेशन, जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जब भी मैं नीट वालों को पढ़ाता हूँ, ये क्वेश्चन डाउट में ज़रूर आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या खास बात है कि डाउट में आता है बार बार, इसके पीछे रीज़न ये है प्यारे बच्चों कि द लेक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, द लेक ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, ठीक है। अब इसको मैं आपको करवाता हूँ और देखो मैं कैसे करता हूँ इसको, ठीक है। ये कहता है कि अगर पोजीशन, ठीक है, एज ए टाइम का फंक्शन है ए ई की पावर माइनस अल्फा टी और प्लस बी और ई की पावर बीटा टी, ठीक है, ए ई की पावर माइनस अल्फा टी और बी की पावर बीटा टी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। एक बार भी मेरा स्टूडेंट था, वो ऑल इंडिया जो उसकी रैंक थी एक्चुअली काफ़ी अच्छा थी, अंडर 100 था, उसको भी ये डाउट आया था। मतलब ये लगभग हर बच्चे को डाउट आता है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे वो हम समझते हैं, ठीक है। तो ये इसको करने के लिए सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे, ठीक है। तो क्योंकि जब तक वेलोसिटी नहीं निकलेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा, तो वेलोसिटी निकालेंगे तो ये डिफरेंशिएट करने आता होगा। e की पावर x कभी डिफरेंशिएट नहीं होता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बात। लेकिन e की पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो e की ax का डिफरेंशिएशन d अपॉन dx, ठीक है, चेन रूल लगा देते हैं। तो चेन रूल लगाएंगे तो e की पावर ax डिफरेंशिएट होकर सामने आ गया और d अपन dx ax भी डिफरेंशिएट होगा, तो ये बनेगा a और e की पावर ax, ठीक है। ये तो आपको डिफरेंशिएशन आता होगा, चेन रूल लगेगा। चेन रूल से अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये आ जाएगा माइनस a अल्फा e की पावर माइनस अल्फा t, समझना डिफरेंशिएशन, प्लस b और, ठीक है, पूरा एक बार पूरा समझ रहे हो ना, और बीटा का बीटा और ई की पावर बीटा टी, दैट इज वेलोसिटी। अब यहाँ से हमें वेलोसिटी इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग होगी वो आप पता भी कर सकते हो जुगाड़ मेथड से, जुगाड़ से, और एक बार और ज़्यादा मैथमेटिकली सही तब होगा जब एक बार और डिफरेंशिएट कर दो इसको, एक्सलेशन निकाल लो। पहले एक बार आपको यहीं से पता करके बताता हूँ। अब देखो जब जब टाइम बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी या घटेगी वो, चलो यहाँ से एनालिसिस भी कर सकते हैं। अब ई की पावर कितना बढ़ सकता है टाइम, यार टाइम बढ़ेगा तो टाइम इन्फिनिटी हो सकता है। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, ई की पावर इन्फिनिटी जो होता है, ई की पावर ये इन्फिनिटी दैट इज ज़ीरो होता है। एक स्टेप और कर देता हूँ, तो ई की पावर इन्फिनिटी दैट इज इन्फिनिटी ज़ीरो, ठीक है। तो e की पावर जो इन्फिनिटी है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लंबे टाइम बाद ये जो है वैल्यू वो जीरो हो जाएगी। तो अगर ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये वाला कितना होगा, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इंक्रीज होगी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, सी ऑप्शन सही है। या नहीं तो एक बार और डिफरेंशिएट करो, और अच्छा से इसको मैथमेटिकल करना चाहते हो तो एक बार इसको और डिफरेंशिएट करो, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सलेशन मिलेगा, एक्सलेशन निकाल सकते हो। एक बार और डिफरेंशिएट करो, ये सामने आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा टी और प्लस
बीटा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर और बी बीटा स्क्वायर और ई की पावर बीटा टी। अब देखो ये जो वैल्यू मिली वो टी के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो वैल्यू है वो एक्चुअली पॉजिटिव है। टी का कोई भी वैल्यू डालोगे, ठीक है, माइनस टी का मतलब है ई की पावर माइनस टी का मतलब है 1/t जो कि पॉजिटिव होगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव कुल मिला के जो ए है वो पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि अगर कोई फंक्शन है, इधर थोड़ा सा आप समझ लो मेडिकल वाले, अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है, कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश f इज इक्वल टू एफ एक्स डैश इसका दैट इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अगर पॉजिटिव होता है तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये जो है फंक्शन वो x के हर एक वैल्यू के लिए इंक्रीज होता है, ठीक है। अगर y डैश s इज इक्वल टू एफ एक्स दैट x इज निगेटिव आ जाता है, ठीक है, सॉल्व करने के बाद, तो ये जो फंक्शन होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये डिक्रीजिंग फंक्शन और ये इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर इसका फर्स्ट डिफरेंशियल हम y एफ एक्स इक्वल जीरो आ जाता है तो या तो ये मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, जो कि आप जानते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा सही है। तो ये वेलोसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि इसका एक्सलेशन फर्स्ट डेरिवेटिव इसका पॉजिटिव आ रहा है तो इसको तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। और हर एक ऑप्शन चेक करके देखो, पहला ऑप्शन सही नहीं है, इंडिपेंडेंट अपन बीटा पे डिपेंड करेगा यार, बीटा है तो बीटा की वैल्यू है तो वेलोसिटी बीटा पे डिपेंड करेगी। क्या ड्रॉप जीरो अल्फा बीटा बराबर होता है तो रख के देख लो, जीरो आ ही नहीं रहा है, ठीक है, और डिक्रीजिंग, ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग ही होगा, डिक्रीजिंग हो नहीं सकता। ये फोर्थ ऑप्शन सही है, इंक्रीज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, थर्ड नहीं फोर्थ, ठीक है। चलो तो ये हम नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, मोटिवेटेड रहिए, एनर्जेटिक रहिए, पॉजिटिव रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय बाय।